Hey everyone, Rima here and welcome back to my channel. आज जो मैं topic मैंने choose किया है वो आप लोगों का बहुत requested एक question था. मैंने कुछ दिन पहले काफ़ी महीने हो गए actually, या साल भर भी हो गया मुझे याद नहीं है. मैंने probiotic के ऊपर एक video मैंने upload किया था जिसमें probiotic कैसे काम करता है, क्या ज़रूरी है, कितना important है, ये आप आज के ज़माने में सबको पता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से एक probiotic हम लोगों के पास इंडिया में अवेलेबल हुआ है जो कि याकुल्ट बोल के हैं. तो याकुल्ट के ऊपर मेरा एक फुल रिव्यू किया हुआ है. जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना. लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को उतना हाईली रिकमेंड नहीं किया था उस ड्रिंक को लेने के लिए बाहर से, क्योंकि उसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर है. ठीक है, तो वो शुगर इतना क्वांटिटी में क्यों डाला गया है मुझे आइडिया नहीं है. कोई ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मे भी शायद टेस्ट इन्हांस के लिए या कुछ के लिए लोगों ने डाला होगा. लेकिन आप बस एक चीज़ को कैटर करने के लिए, टेस्ट के लिए आप शुगर खा लोगे इतना तो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी. ये तो मतलब फ़ायदा नहीं है ना. आप एक चीज़ को सही करने के लिए और दूसरी चीज़ को आप शरीर में गलत कर दोगे तो ये कौन सा चीज़ हुआ. तो आप लोगों ने मुझे पूछा था हालांकि कि आप अगर मैम इसको मना कर रहे हो तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, हम लोग प्रोबायोटिक को कैसे ले सकते हैं. मैं हमेशा से सप्लीमेंट्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हालांकि अभी मुझे आप लोगों को शायद आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए मुझे कुछ सप्लीमेंट्स ट्राई करना पड़ रहा है, जो कि मैं थोड़े दिन बाद फिर आपको मतलब रिव्यू करूँगी कुछ सप्लीमेंट्स का. तो एनीवे, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि नेचुरल सोर्स से हम लोगों को जो मिलता है ना, उसका बात ही कुछ और होता है. ठीक है, अगर हम लोगों को नेचुरल चीज़ से मिल सकता है तो हम लोग बाहर से क्यों आर्टिफिशियल लें. सिंथेटिक कोई भी चीज़ शरीर में ज़बरदस्ती डालना तो कोई मतलब नहीं है. तो मैंने इसलिए आपके सामने कुछ चीज़ें मैं लाई हूँ जो प्रीबायोटिक के हिसाब से आपको आप ले सकते हो. ठीक है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दोनों चीज़ ही हम लोगों के शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, प्रीबायोटिक जो होता है वो प्रोबायोटिक का खाना होता है. तो ज़िंदा रखने के लिए इंसान जब खुद को ज़िंदा रखना चाहता है उसको खाना खाना पड़ता है ना, तो वही सेम है. एक चीज़ को आपको डालने के लिए उसको तो ज़िंदा भी, ये तो बैक्टीरिया होता है. ये क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होता है. अपना गट जो है वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों के यू नो कॉम्बिनेशन से बना होता है. अगर आपके गट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लाइफ मतलब लाइफ में प्रोबायोटिक को इंक्लूड करना. लेकिन प्रोबायोटिक को सिर्फ इंक्लूड करना, उसको ज़िंदा भी तो रखना है. उसको इंक्लूड करके क्या करोगे, आप डाल दिए पेट में, वो तो एक बैक्टीरिया है, वो तो मर जाएगा फिर जाके कुछ टाइम के अंदर ही. तो उसको ज़िंदा रखने के लिए उसको तो खाना भी देना पड़ेगा ना, तो इसलिए प्रीबायोटिक की ज़रूरत है. एनी वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपको समझाने के लिए, अलग वीडियो में बना दूंगी अगर आप लोगों को जानना है इसका क्या है सीन. लेकिन मैं आपको कुछ नॉर्मल रेमेडीज़ बता रही हूँ. रेमेडीज़ मतलब कुछ आपको चीज़ बता रही हूँ जो आप लाइफ में इंक्लूड करके वो चीज़ को आप अपने गट हेल्थ को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आप मतलब एक हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हो. प्रीबायोटिक जो भी है आप अपने शरीर में इंक्लूड कर सकते हो, गुड बैक्टीरिया का जो काउंट है वो बढ़ा सकते हो. ठीक है, सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो है एप्पल साइडर विनेगर. एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है. देखो, सब कुछ गट से अपना स्टार्ट होता है. ठीक है, आपका गट अगर हेल्दी है तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा, आपके हेयर्स हेल्दी रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका वॉट टू से आपका टोटल जो भी मैं मेटाबॉलिक रेट बोलो, आप वेट लॉस कर पाओगे अगर आपका गट सही है. ठीक है, आपका कॉन्स्टिपेशन अगर है वो दूर होगा, मतलब टोटल जो आपका डाइजेशन सही होगा, एसिडिटी कम होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम सही हो जाता है अगर आपका गट सही रहे. मतलब गुड बैक्टीरियाज अगर आपके गट में अच्छे से है, प्रॉपर है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो. समझ में आ रहा है मेरी बात, ये है मेन बात. तो एप्पल साइडर विनेगर ये सब कुछ में काम आता है. लेकिन आपको एप्पल साइडर विनेगर जो लेना है वो नॉर्मल वाला एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है, विथ मदर लेना है. या देख लेना आप कहीं से, ऑनलाइन में तो अवेलेबल है ही, आपको मार्केट में भी आजकल अवेलेबल मिल जाता है. कोई भी अच्छा सा आप सुपर मार्केट में चला जाओ तो आपको आराम से मिल जाएगा ग्रॉसरी काउंटर में. विथ मदर वाला आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, उसको आपके लाइफ में इंक्लूड करना है. आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आप सुबह खाली पेट उसको पानी में मिला के ले सकते हो, लेकिन हमेशा उसको डाइल्यूट करके लेना.
कभी भी एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर भी मेरा पूरा वीडियो है, आई थिंक 2 वीडियोज़ होंगे मेरा, वो भी मैं चैनल मतलब चैनल बोल रही हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक्स दे दूँगी, वो भी अच्छे से देख लूँगी कि एप्पल साइडर विनेगर के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैंने डिटेल में बोला हुआ है कि साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके अच्छा साइड क्या है, दोनों वीडियो मैं दे दूँगी, आप अच्छे से वो लोग पहले देख लेना उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आपने पानी के साथ ले लिया तो आपको भूख कम लगेगी, एपेटाइट आपका रिड्यूस होगा तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा। गर्म पानी में सुबह ले सकते हो, आप सोने से पहले रात को ले सकते हो, बहुत सारे वेज है, आपको क्या करना है उस हिसाब से, आपको किस टाइम पे कितना लेना है उस हिसाब से है, और वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। वो कर सकते हो, आप दही को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, हमेशा खाने के बाद हो या खाने के साथ हो, एक कटोरी खट्टी वाली दही, खट्टी वाली दही इन द सेंस मतलब बंगाली में हम लोगों को होता है ना कि मिष्टी दही वगैरह नहीं है, मीठा दही नहीं चाहिए हम लोगों को, जो नॉर्मल घर का बना हुआ अगर है तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, वो दही आप ले लो, वो आप लाइफ में अपने एक रूटीन बना लो कि आपको एक कटोरी दही आपको खाना ही खाना है, लेकिन मेक श्योर कि आप दिन में खाओ रात में नहीं खाओ, क्योंकि किसी किसी को रात में सूट नहीं करता है, मैं भी सजेस्ट नहीं करती हूँ रात में दही खाने का, लेकिन आपको अगर चलता है तो आप खा सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली दिन में आप एक कटोरी दही आपके लाइफ में इंक्लूड कर दो, ठीक है। आप सिलीनियम हस जो होता है उसको क्या बोलता है, इसोबगुल बोलता है, इसोबगुल को आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आपको एक मैं ड्रिंक बताती हूँ, ये बहुत अच्छा प्री और प्रो दोनों का काम करता है, प्रीबायोटिक का भी प्रोबायोटिक का भी। आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी में, ठीक है, छोटा सा एक जैसे नॉर्मल ग्लास साइज होता है उसमें एक ग्लास पानी ले लो, एक चम्मच आपको इसोबगुल लेना है जो सिलीनियम हस्क है, और एक चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है, और थोड़ा सा पिंच आपको सिनेमन पाउडर का डालना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ को आप मिक्स कर लो, मिक्स करके आप कोई भी मील जब लोगे, मील लेने से आधा घंटा पहले आप इसको पी लो, आप ये करके देखो, आपका वेट लॉस होगा, आपका गट हेल्थ बहुत इंप्रूव करेगा, आपके लाइफ में कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या डाइजेशन का इशू जो भी है सब कुछ चला जाएगा, आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा, ठीक है। आपका जो भी जंक फूड आप शायद खाने जा रहे हो, ऐसा आपको कहीं जाना है जो जंक फूड आपको पता है आपको खाना है, या कोई शादी में जा रहे हो तो उसमें पता है आपको कि उल्टा सीधा खाना होगा, आप वो जाने से पहले आप घर से वो वाला ड्रिंक पी के जाओ, आप फिर देखना कमाल, फिर आप मुझे थैंक करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा टिप है, इस तरह से आप अपने लाइफ में अपने गट हेल्थ को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अच्छे बैक्टीरियाज को अपने लाइफ में अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सकते हो आपके गट में, ठीक है। ये आप करके देखो, बहुत आसान सा सिंपल सा एक टिप दिया मैंने, कैसा लगा आपको ये ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स के लिए मैं तो हूँगी आपके साथ, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ और अच्छे वीडियोज़ के साथ, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।